तो पता चल गया ना कि रंगदार हैं, मंथली रंगदारी खाली आप उसके लिया कर देते हैं। पता चल गया ना, आप सब रिकॉर्डिंग कीजिए भाई, आप फेसबुक पर सब नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि रीतलाल यादव जो आरजेडी के विधायक हैं, दानापुर में उनकी काफ़ी पकड़ है, और पप्पू यादव जो कि जाप सुप्रीमो हैं, वो दोनों आज मुलाकात किए। तस्वीरों हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों ने मुलाकात की है। दरअसल ये मुलाकात उस मामले में हुआ जब एक पुराना केस था और उस केस को लेकर दोनों कोर्ट में पहुंचे थे, और जब कोर्ट में पहुंचे तो दोनों किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, किस प्रकार से रीतलाल यादव और पप्पू यादव मुलाकात कर रहे हैं, और जिस तरीके से पुरानी बातें हैं तो पुरानी बातों को दोहराया जा रहा था रीतलाल यादव की तरफ से, यह हंसी ठिठोली में या मजाक किया जा रहा था कि पप्पू यादव रंगदारी से लेते हैं, और जिस प्रकार से कहा जाए कि तमाम जो बातें हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम भी अब आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने आपस में जो उन दोनों की केमिस्ट्री थी, किस तरीके से मुलाकात हुई। दोनों जब बाहुबली मिले, पप्पू यादव और रीतलाल यादव दोनों बाहुबली नेता में से जाने जाते हैं, और दोनों की मुलाकात जब कोर्ट में हुई और दोनों एक दूसरे की बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी यादों को लेकर किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, उस मजाक के सिलसिले में रीतलाल यादव ने कह दिया कि जो है पप्पू यादव रंगदारी से लेते हैं, और हम जो हैं जिस प्रकार से रोटी और सब्जी की बात चल रही थी, तो ये तमाम बातें जो है वो इस वीडियो में हम आप तक दिखाएंगे किस तरीके से दोनों नेता पप्पू यादव और रीतलाल यादव जब मुलाकात किए तो एक दूसरे के साथ बैठकर खाना भी खाया। और ये तस्वीर जो है वो जब पप्पू यादव और रीतलाल यादव एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पहुंचे थे, और कोर्ट की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है किस तरीके से दोनों ने खाना खाया है, क्या कुछ बात किया है, ये सुनवा पता चल गया ना कि रंगदार हैं, मंथली रंगदारी खाली आप उसके लिया कर देते हैं। पता चल गया ना, आप सब रिकॉर्डिंग कीजिए भाई, आप फेसबुक पर सबको डालिएगा। हमको तो पता नहीं था कि रंगदारी से हमको लेते हैं, हम तो समझे हम समझे कि छोटा भाई से प्यार की मोहब्बत से लेते हैं, लेकिन अब हमको पता चला कि रंगदारी में लिया कर सब रिकॉर्डिंग डालिएगा। लाइफ सस्टेन करने के लिए कि आप बढ़िए, और जो जो होता था हमारा घर देखा तो आज 3-4 साल से नहीं मिला, हमने यादगार है आज बनता है ना। नहीं, हम देते थे रोटी चावल सब्जी, अरे हमको देते थे उसके एवज में उपलब्ध कराने वाला सारा ज्ञान। मेरा क्या गलती है भाई, अभी हम रंगदारी के मुल्क ले रहे हैं। ठीक है, आप ले लीजिए चाचा जी, देखिए रुपए प्यार होता है, प्यार प्यार है मतलब नहीं था, पत्थर को भगवान मान लेंगे ना, बस बस पत्थर दीजिए नहीं देना तो नहीं रात में नहीं, रात में हाथ में एक रूबी का तो महत्व नहीं, क्या कहना है रूबी को महत्व, एक पोखराज दे दीजिए हमको, नहीं उसको निकालिए, वो छोड़ देते हैं, नहीं उसको निकालिए ना, मूर्ति ले लीजिए ठंडा दे दीजिए, नहीं आप उसको निकालिए ना, ठंडा आप उसको निकालिए ना, चलिए हो गया।
हम पहनेंगे नहीं भाई, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक पहनेंगे नहीं। उधर दीजिए, आप बोले कि इसका महत्व नहीं है। नहीं, इसका महत्व उधर दीजिए, नहीं उसका महत्व उधर, नहीं उसको भेजिए उधर। अपने भैया फट जाएगा मंजूर।